हेलो दोस्तों मैं सी कुशल सोनी आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आज ये वीडियो मैंने बनाया है अभी लेटेस्ट में ही जो आई टी आई मुंबई बैंक का ऑर्डर आया है इन केस ऑफ रेनू टी थरानी जिस केस में एस एस रिटर्न फाइल करता है एक लाख सत्तर हजार की और एडिशंस होते हैं वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स क्रोर्स के यस अगेन आई एम रिपीटिंग रिटर्न फाइल्ड वन लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ और एडिशंस होते हैं वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स क्रोर्स के बहुत 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 इंटरेस्टिंग ऑर्डर है आई मुंबई बेंच का मैंने अपने वीडियो में ऑर्डर का पूरा एनालिसिस बताया है अगर आप पूरा ऑर्डर समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें इस ऑर्डर में जो कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं जो चीज़ें कवर होती है सबसे पहले तो इस ऑर्डर में इंटरनेशनल टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के कॉन्सेप्ट कवर किए जाते हैं अन अकाउंटेड मनी के कॉन्सेप्ट कवर इस ऑर्डर में किए जाते हैं इस ऑर्डर में बहुत बढ़िया लैंडमार्क जजमेंट्स का रेफरेंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स का भी आप वो भी उसकी भी नॉलेज इस ऑर्डर से ले सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगेन आई एम रिपीटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस ऑर्डर में आई मुंबई बेंच ने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से लोग जो अमीर लोग हैं वो किस तरीके से स्विस बैंक को यूज़ करते हैं अपनी इनकम को छुपाने के लिए और उस पर टैक्स चुराने के लिए और किस तरीके से वो फॉरेन के स्विस बैंक्स उनकी हेल्प करते हैं किस तरीके से ट्रस्ट बनाए जाते हैं किस तरीके से केम एंड आइलैंड जैसे टैक्स हेवेंस में कंपनीज़ क्रिएट की जाती हैं ताकि मिलियंस एंड ऑफ डॉलर्स के करोड़ों के टैक्स लोग चुराते हैं इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करके और ये किस तरीके से इंफॉर्मेशन अब शेयर होना शुरू हो चुकी है इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ और डिपार्टमेंट फिर उनको किस तरीके से पकड़ता है यस yes. हाँ जी ये पूरा एक्सप्लेनेशन आई मुंबई के ऑर्डर में है वन ऑफ इट्स काइंड क्लासिकल ऑर्डर में इसको बोलूँगा ऑर्डर जाता है लगभग पचपन पेजेस में 55 पेजेस में बहुत डिटेल में एक एक बात आई मुंबई ने इस ऑर्डर में लिखी है अगर आप इनकम टैक्स की नॉलेज रखते हैं या फिर इनकम टैक्स की नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये ऑर्डर आप ज़रूर पढ़ें तो आइए देखते हैं रेनू टी थरानी केस के बारे में केस ऑफ रेन्यू टी थरानी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कंटेंट्स मैं आपको सबसे पहले कंटेंट्स बता देता हूं वीडियो में कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड ऑफ़ द केस केस का क्या बैकग्राउंड रहा क्या फैक्ट्स रहे ग्राउंड्स एडजुडिकेटेड इन आई अपील आई मुंबई बेंच में जो अपील फाइल करी थी एस ने उसमें कौन से वो दो इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स थे जिनको एडजुडिकेट किया गया व्हाट इज़ कंसेंट वेवर कंसेंट वेवर आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इस पूरे केस का इस पूरे मैटर का जो समझना बहुत ज़रूरी है मैं आपको कंसेंट वेवर के बारे में सब कुछ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कंसेंट वेवर इस केस में इम्पॉर्टेंट क्यों है कैसे है नेक्स्ट इज ऑब्ज़रवेशन ऑफ आई टी टी मुंबई आई टी टी मुंबई बेंच के क्या ऑब्जर्वेशन्स रहे इस केस में जो आई टी टी मुंबई ने अपने ऑर्डर में लिखे प्रिंसिपल्स अफर्म्ड बाय द जजमेंट जजमेंट में ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स थे ऐसे कौन सी वैल्यूज थी ऐसे कौन से टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट हैं जो अफर्म किए गए हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इस वीडियो में तो आइए शुरू करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस से सबसे पहला पॉइंट है मैस रेनू रेनू टीथरानी ये एस हैं इस केस में इज़ एन एल्डरली लेडी इन हर लेट एटीज हाँ जी रेनू टीथरानी एक एल्डरली लेडी हैं जो शायद एट्टी के अराउंड की एज की हैं ऑन ट्वेंटी नाइन जुलाई टू थाउजेंड सिक्स एस एस सी फाइल्ड हर इनकम टैक्स रिटर्न शोइंग इनकम ऑफ रुपीज़ वन लैख सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड शोइंग रेजिडेंशियल बैंगलोर एस एस सी ने जो रिटर्न फाइल करी उसमें उसने रेजिडेंशियल स्टेटस बताया बैंगलोर का कि वो बैंगलोर के रेजिडेंट पर रह रही हैं ऑल्सो शोइंग रेजिडेंशियल स्टेटस एज रेजिडेंट हाँ जी इनकम टैक्स रिटर्न में जो ऑप्शन टिक करना होता है दैट आर यू नॉन रेजिडेंट और आर यू रेजिडेंट तो एस एस सी ने यहाँ पर जो है वो रेजिडेंट टिक करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की बट इन रियलिटी एसएससी रेजिडेंट नहीं था एसएससी का जो पासपोर्ट था उसके हिसाब से एसएससी ड्यूरिंग दैट रिलेवेंट ईयर वाज नॉन रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट बट एसएससी ने रिटर्न फाइल करी एज अ रेजिडेंट टिक करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको आप कहते हैं बैकग्राउंड का फैक्ट है जो यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है आगे की चीज़ें देखने के लिए पासपोर्ट रिकॉर्ड रिविल्स दैट शी वॉज नॉन रेजिडेंट हाँ जी जैसा कि मैंने बताया कि पासपोर्ट जब एस का चेक किया गया तो पासपोर्ट के हिसाब से एस एस सी वॉज नॉन रेजिडेंट एस एस सी जो है वो नॉन रेजिडेंट पाया गया जब पासपोर्ट देखा तो बट एस एस सी ने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी जो इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया है इनकम टैक्स रिटर्न में जो एस एस सी ने टिक किया वो टिक किया रेजिडेंट बट इन रियालिटी एस एस सी था नॉन रेजिडेंट हाँ जी आइए आगे का बैकग्राउंड फैक्ट देखते हैं ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड फोर्टीन केस ऑफ एस एस सी वॉज रीओपनड बाई इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट एस एस सी का केस रीओपन किया गया वन फोर्टी एट में नोटिस इशू किया गया एस एस सी को इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के तहत रीजंस फॉर रीओपनिंग असेसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस हैं आप एक बार पढ़ें इन रीजंस को आइए देखते हैं रीजंस क्या हैं असेसिंग ऑफिसर ने क्या रीजंस रिकॉर्ड किए नोटिस इशू करते वक्त 148 का दैट द इंफॉर्मेशन परटेन्स टू हर हैविंग अ बैंक अकाउंट विथ एच बी सी बैंक जेनेवा बियरिंग अ नंबर जो भी है फ्रॉम द सेड बैंक स्टेटमेंट इट इज सीन दैट शी इज़ हैविंग अ पीक बैलेंस ऑफ यू थ्री crore 9738122 that is equivalent to rupees 196 crores at the relevant point of time in the said account during the period 2005-6 i have reason to believe that the income of the income to the extent of at least usd 3 crores 9738122 has escaped assessment now look at the reasons reasons seems to be very interesting and in reality reasons are really too interesting because the quantum of the addition that has been proposed in the reasons is very 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 high ek taraf aise hi apni income दिखाता है रिटर्न फाइल करता है एक लाख सत्तर हज़ार की जो अभी हमने पहले एक बैकग्राउंड फैक्ट में देखा अब जब असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस रिकॉर्ड किए तो साहब एडिशंस उस रीजन में सामने आते हैं लगभग लगभग 196 नाइन्टी क्रोर्स के हाँ जी 196 नाइन्टी क्रोर्स के ये रीजन्स एस ने रिकॉर्ड किए 148 के नोटिस से पहले हमें रीजन रिकॉर्ड असेसिंग ऑफिसर को रीजन्स रिकॉर्ड करने होते हैं तो असेसिंग ऑफिसर ने कंप्लायंस के लिए रीजन्स रिकॉर्ड किए उसके बाद नोटिस इशू किया इन रिस्पॉन्स ऑफ द नोटिस उसी नोटिस के रिस्पॉन्स में इट वॉज सबमिटेड बाय द एस एस सी दैट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बाय द एस एस सी ऑन ट्वेंटी नाइन जुलाई टू थाउजेंड सिक्स बी ट्रीटेड एज रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट जब भी वन फोर्टी एट का नोटिस इशू किया जाता है तो डिपार्टमेंट ये बोलता है कि अगर आपको कोई रिटर्न फाइल करना है अंडर दिस सेक्शन तो प्लीज़ फाइल दिस रिटन बाय दिस दिस डेट तो वहाँ पर एस एस सी के पास दो ऑप्शन होते हैं या तो एस एस सी ये बोल दे कि जो मैंने रिटर्न फाइल पहले किया था उसी रिटर्न को यह मान लिया जाए कि वही वन फोर्टी एट की कंप्लाइंस का रिटर्न है या फिर वो कोई एक फ्रेश रिटर्न फाइल कर दे दोनों में से वो कुछ भी कर सकता है इस केस में एस ने ये बोला कि जो 29 जुलाई 2006 को रिटर्न फाइल करी है एस ने उसी रिटर्न को ये मान लिया जाए दैट दैट इज द रिटर्न इन रिस्पांस टू नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 148 उसके बाद एस ने उन रीजन्स पे ऑब्जेक्शन रेज किया जो रीजन असेसिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए थे एस ने बोला दैट शी इज नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर एस ने बोला कि वो नॉन रेजिडेंट है ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर बट नाउ लुक एट द फैक्ट कि जो रिटर्न फाइल करी है एस ने वो टिक किया रेजिडेंट पे दूसरा ग्राउंड जहाँ पे उसने रीजंस को ऑब्जेक्ट किया दैट शी हैज़ नॉट मेंटेन एनी बैंक अकाउंट विद एच एस जेनेवा एस ने अपफ्रंट स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया इस फैक्ट से कि एस कोई बैंक अकाउंट भी मेनटेन करता है एच जेनेवा ब्रांच में इन दोनों इम्पॉर्टेंट रीजन्स को देते हुए एस एस ने रीजन्स पे ऑब्जेक्शंस रेज किया उन रीजन्स पे जो असेसिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए थे फॉर वन फोर्टी एट नोटिस उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने इन रीजन्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इन रीज़न से असेसिंग ऑफिसर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए रीजंस के से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शंस थे हाँ जी यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या होता है असेसिंग ऑफिसर रिजेक्टेड द ऑब्जेक्शंस रेज बाय द एसएससी, एसएससी ने ऑब्जेक्शंस जो रेज किए थे रीजंस के अगेंस्ट में असेसिंग ऑफिसर ने उन रीजंस को रिजेक्ट कर दिया क्यों क्योंकि उन रीजंस ने असेसिंग ऑफिसर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया एंड फ्रेम्ड असेसमेंट अंडर सेक्शन वन वन फोटी थ्री थ्री रीड विद वन फोर्टी सेवन एंड मेड एडिशन ऑफ रुपीज़ वन नाइन्टी सिक्स करोड़ असेसिंग ऑफिसर ने क्या असेसमेंट फ्रेम कर दी जो ऑब्जेक्शंस एस ने फाइल किए थे अगेंस्ट रीजंस उनको डिनाई कर दिया उन पर एग्री वो नहीं हुए उसके बाद उन्होंने उस असेसमेंट को फ्रेम किया कंक्लूड किया फाइनलाइज किया और वन करोड़ के एडिशन्स एस एस के ऊपर कर दिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ एग्रीव एस एस फाइल्ड एन अपील बिफोर सीआईटी अपील्स उसके बाद एसएससी ने इन होप ऑफ रिलीफ सीआईटी अपील्स के समक्ष अपील फाइल करी बट सीआईटी अपील ने कोई रिलीफ ग्रांट नहीं किया और उन्होंने उस मैटर पे ऑर्डर पे जो भी बातें लिखी थी उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया मतलब कि यहाँ पर जो एस की अपील थी बिफोर सी अपील वो डिसमिस कर दी गई सी अपील ने एस को कोई बेनिफिट नहीं दिया एस एस वॉज नॉट सेटिस्फाइड उसके बाद एस उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एस ने आई टी आई टी मुंबई में अपील फाइल करी इन होप ऑफ रिलीफ हाँ जी इसी आई टी आई टी मुंबई बेंच का ऑर्डर हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा बैकग्राउंड ऑफ केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे समझने वाली है एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले क्या होता है एक कंपनी है जिसका नाम है जी डब्ल्यू यू इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड इन केमेन आइलैंड केमेन आइलैंड हम सबको पता है कि क्या है एक टैक्स हेवन है हाँ जी टैक्स नहीं लगता है केवेन आइलैंड की कंपनीज़ पे उसके बाद एक सेटलर क्रिएट किया गया सेटलर कौन है सेटलर ऑफ द ट्रस्ट हु कॉन्ट्रीब्यूट द एसेट नॉट आइडेंटिफाइड इन दिस केस पूरे ऑर्डर में सेटलर कौन है डिपार्टमेंट सी आई टी अपील आई टी टी एस एस सी से पूछते रहे बट सेटलर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि सेटलर ऑफ द ट्रस्ट कौन है बट इन द केस इट इज सीम्ड दैट जी डब्ल्यू यू इन्वेस्टमेंट लिमिटेड विच इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड इन के मेन आईलैंड बी द सेटलर ऑफ द ट्रस्ट एंड के मेन आईलैंड इज़ अ टैक्स हैविन नेक्स्ट देखते हैं ट्रस्टी ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन है ट्रस्टी वो होते हैं जो लीगल ओनरशिप लेते हैं हाँ जी ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है उसमें से एक इंटरेस्टिंगली ट्रस्टी है एच प्राइवेट बैंक जनेवा हाँ जी और इसका बेनिफिशियल ओनर है जो ट्रस्ट की एसेट्स को इंजॉय करने का राइट रखते हैं उन बेनिफिशियल ओनर में नाम आता है रेनू टी थरानी का जो कि एसएससी हैं ये फैक्ट डिपार्टमेंट को पता कैसे लगे ये फैक्ट डिपार्टमेंट को पता लगे स्विस बैंक से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ वहाँ पे कुछ बेस्ड नोट शेयर हुए उन बेस्ड नोट को यूज़ करते हुए इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिटेल शेयर की रिलेवेंट असेसिंग ऑफिसर के साथ फिर एसएससी का केस जो है वो सेंट्रलाइज किया गया हाँ जी डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई विच इज़ डीलिंग विद इंटरनेशनल टैक्सेशन केसेस वहाँ पे सेंट्रलाइज़ हुआ वो केस और उस बेस नोट को देखते हुए रीजन रिकॉर्ड हुए और वन का नोटिस इशू किया गया तो ये बैकग्राउंड आपको जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कंपनी इन्वॉल्व है जो केमेन आइलैंड में रजिस्टर्ड है जो कि एक टैक्स हेवन है एक सेटलर एक ट्रस्टी और एक बेनिफिशियरी का एक स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आता है जो शायद क्रिएट किया गया है एच प्राइवेट बैंक जिनेवा जो कि आई का ऑर्डर बताता है हमें और बेनिफिशियरी जो हैं जो बेस नोट से पता चलता है कि जो ट्रस्ट की बेनिफिशियरी हैं वो हैं रेन्यू टी थरानी जो कि एस हैं जिनके हैंड्स में 196 नाइनटी सिक्स के एडिशन्स अफर्म किए गए आई मुंबई बेंच ने भी तो आइए देखते हैं आगे की चीज़ ग्राउंड्स एजुडिकेटेड इन आई अपील जब मैटर सी अपील में था तो लगभग 19 ग्राउंड क्रिएट किए गए थे अपील में एस के द्वारा बट आई ने इंपॉर्टेंटली दो ग्राउंड पे मैटर एडजुडिकेट किया और उस पर जो लर्नेट काउंसिल थे एस के वो भी एग्री हो गए इम्पॉर्टेंटली जो दो इश्यूज क्रिएट हुए एडजुडिकेट हुए आईटीएटी अपील में उसमें से पहला इशू है वेदर ऑन द फैक्ट्स एंड इन द सर्कमस्टांसिज ऑफ दिस केस लर्नेट सी आई टी अपील वॉज जस्टिफाइड इन अप होल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ री असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कि क्या जो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स एस पे इनिशिएट की गई क्या वो वैलिड हैं सबसे पहला ग्राउंड ये दूसरा ग्राउंड वेदर और नॉट द लर्नेड सी आई टी अपील वॉज जस्टिफाइड इन अप होल्डिंग द एडिशंस इन द हैंड्स ऑफ एस एस सी फॉर रुपीज अप्रोक्सीमेट वन नाइंटी सिक्स क्रोर्स बींगाउंट इक्वल इन टू यू एस डॉर डॉलर अप्रोक्सीमेट थ्री करोड़ नाइन्टी सेवन लैक एट द रिलेवन पॉइंट ऑफ टाइम हेल्ड बाई एच बी सी प्राइवेट बैंक जेनेवा स्विट्जरलैंड इन द नेम ऑफ थरानी फैमिली ट्रस्ट ऑफ द एस एस सी वॉज अ बेनिफिशियरी ये है सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्राउंड दोनों ग्राउंड्स की डिटेल मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहले ग्राउंड पे दैट इज ग्राउंड नंबर वन दैट टॉक्स अबाउट वैलिडिटी ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स दो ग्राउंड एडजुडिकेट हुए आई टी मुंबई बेंच के सामने पहले ग्राउंड के बारे में आपको बता रहा हूँ दैट ग्राउंड टॉक्स अबाउट वैलिडिटी ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स हाँ जी यहाँ पे देखते हैं कि एस ने क्या बोला उसके बाद ए ने क्या बोला और इस ग्राउंड पे आई के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं सबसे पहले एस एस सी ने क्या सबमिशन दिया एस एस सी डज नॉट मेंटेन एनी बैंक अकाउंट विद एच एस बी सी जनेवा एस एस सी ने सिंपली डिनाई कर दिया कि मेरा एच एस बी सी जनेवा में कोई बैंक अकाउंट नहीं है एंड एस एस सी वॉज नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द ईयर सो शी इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम विच एक्रू और अराइज आउट ऑफ इंडिया हाँ जी क्योंकि इन रियालिटी एस एस सी क्या है नॉन रेजिडेंट और वो इनकम जो इंडिया के बाहर एक्रू होती है अराइज़ होती है उस पर एस एस सी लाइबल नहीं है टैक्स देने के लिए क्योंकि एस एस सी अपने आप को जो है वो नॉन रेजिडेंट बता रहा है बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ जो हमने बैकग्राउंड में देखा वो ये है कि एस जो है वो रिटर्न फाइल करता है रेजिडेंट पे टिक करके बट इन रियलिटी जब एस का पासपोर्ट चेक किया गया तो एस नॉन रेजिडेंट पाया जाता है एस एस रिक्वेस्ट टू ड्रॉप द रियस प्रोसीडिंग्स और इन्हीं ग्राउंड्स को बनाते हुए एस रिक्वेस्ट करता है कि जो रिएस प्रोसीडिंग्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए हाँ जी अब असेसिंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का क्या कहना है इस मैटर पे सो फार इज रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट इज कंसर्नड ऑल दैट इज टू बी सीन इज वेदर प्राइम ऑफ ए सी देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट सम इनकम हैज अस्केब्ड असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कहते हैं कि प्राइमरिली जब 148 के नोटिस इशू होते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रीजन्स हैं या नहीं है रीज़न टू बिलीव होना बहुत ज़रूरी है जो कि इस केस में है भी सही एंड वन सीज अ पर्सन विद रिटर्न इनकम ऑफ रुपीज़ वन लाख सेवेंटी थाउजेंड बींग बेनिफिशियल ओनर ऑफ रुपीज़ वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स क्रोज इन अ स्विस बैंक देन देयर इज क्लियर गुड रीजन टू बिलीव दैट इनकम हैज अस्केब्ड असेसमेंट इन दैंड ऑफ द एस एस सी तो उन्होंने ये बोला कि जब कोई एस एस सी रिटर्न फाइल करता है मात्र एक लाख सत्तर हज़ार रुपये की और ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो बेनिफिशियल ओनर है लगभग एक वन नाइन्टी सिक्स क्रोस का और वो अमाउंट उसने छुपा रखा है एक स्विस बैंक के अकाउंट में तो ये एक गुड रीज़न है एक वैलिड रीज़न है वन फोर्टी एट के नोटिस इशू करने के लिए हाँ जी यहाँ पे एस एस सी और ए ओ के सबमिशन सुनने के बाद आई टी ए टी ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया द क्लेम ऑफ द एस एस सी रिगार्डिंग हर हैविंग अ नॉन रेजिडेंट स्टेटस इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर केम मच आफ्टर द रीज़न्स रिकॉर्डेड हाँ जी जो एस का जो क्लेम है कि वो नॉन रेजिडेंट है वो सामने आता है रीजन्स रिकॉर्ड करने के बहुत बहुत बाद में क्यों क्योंकि एस ने रिटर्न फाइल करते वक्त अपना गलत स्टेटस दे दिया था शायद हो सकता है एस ने अपनी गलती से वो दे दिया हो वहाँ पर वो रिटर्न में टिक करता है कि एस जो है वो रेजिडेंट है बट ये फैक्ट कि एस एस में पे नॉन रेजिडेंट है ये रीज़न रिकॉर्ड करने के बहुत बाद में सामने आता है एंड क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू दिस क्लेम एज अवर यूजल ऑफ रिकॉर्ड शोज द एस एस सी हरसेल्फ हैड क्लेम द रेजिडेंशियल स्टेटस एज रेजिडेंट इन द इनकम टैक्स रिटर्न अ सब्सिक्वेंट क्लेम हाँ जी अब ऑब्जर्वेशन ऑफ आई टी है बहुत ध्यान से सुनिएगा आप अबसिक्वेंट क्लेम विच वॉज नॉट ऑन रिकॉर्डेड द टाइम ऑफ रीजन्स बींग रिकॉर्डेड कैन नॉट अफेक्ट द करेक्टनेस ऑफ दीज रीजन्स द करेक्टनेस ऑफ रीओपनिंग ऑफ असैसमेंट ऑन द फैक्ट ऑफ दिस केस एंड इन द लाइट ऑफ सेटल लीगल पोजीशन कैन नॉट बी फॉल्टेड विद आई टी आई टी ने अपना ऑब्जरवेशन ये दिया कि एस एस सी का कोई सब्सिक्वेंट क्लेम राइट वो जो मौजूद नहीं था एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द रीज़न्स और वो इन्फॉर्मेशन खुद एस ने ही दी है चाहे वो इनकरेक्ट हो या करेक्ट हो तो ये कोई ग्राउंड नहीं बनता कि जो रीज़न्स हैं वो वैलिड नहीं हैं तो इट इज़ अ सेटल लीगल पोजिशन ऑफ लॉ क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर ने जो रीजंस फ्रेम किए जो रीजंस रिकॉर्ड किए वो उन सब मटेरियल को यूज़ करते हुए किए जो उसके सामने थे उसकी टेबल पे थे और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल उसकी एस की आईटीआर थी जिस पे एस ने टिक किया हुआ था एज अ रेजिडेंट तो उसके बाद अगर रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद ये फैक्ट सामने आता है कि वो इन रियलिटी नॉन रेजिडेंट है तो ये कोई पॉइंट नहीं है कि जो हैं उनको इनवैलिड कर दिया जाए तो यहाँ पे जो ग्राउंड नंबर वन है वो एस के अगेंस्ट होता है और आई ये कहती है कि जो रीज़न रिकॉर्ड किए गए बिल्कुल वैलिड हैं सो द असेसमेंट सो द वैलिडिटी ऑफ द रीओपनिंग ऑफ द केस इज़ करेक्ट इट इज़ नॉट इनकरेक्ट ग्राउंड नंबर टू जो इस पूरे केस का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है दैट वैलिडिटी ऑफ एडिशन ऑफ रुपीज़ वन नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर सिक्स करोड़ वो वैलिड है भी या नहीं है आप इस ग्राउंड को कह सकते हैं दैट दिस ग्राउंड इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस केस तो आइए आगे, आगे देखते हैं एस क्या कहता है और असेसिंग ऑफिसर क्या कहते हैं एस का सबमिशन है दिस स्टेटमेंट बाय द एओ इज फैक्चुअली इनकरेक्ट एज द बेस नोट बेस नोट मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो स्विस बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को आप इस पूरे केस में बेस नोट कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट बाय द असेसिंग ऑफिसर इज फैक्चुअली इनकरेक्ट एज द बेस नोट रिसीव्ड इज नॉट दैट ऑफ द एस बट ऑफ जी डब्ल्यू इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फर्दर एजम्पन बाय द एओ दैट द बेस नोट इज अ बैंक अकाउंट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट एज इज एविडेंट फ्रॉम द बेस नोट विच इज नॉट अ बैंक अकाउंट बट जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिस दस इट इज अ मिस्टेक बिलीफ ऑफ द असेसिंग ऑफिसर दैट द बेस नोट इज अ बैंक अकाउंट ये एक ग्राउंड एस लेता है और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है एस का अपने आप को सेफ करने के लिए हाँ जी आप असेसिंग ऑफिसर क्या कहते हैं इट इज़ अ केस इन विच स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हैज़ कम टू इन द पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ऑफिशियल चैनल्स एंड दिस इन्फॉर्मेशन अमंगस्ट अदर थिंग्स कैटेगरी कैटेगोरिकली इंडिकेट्स दैट एस एस सी वॉज बेनिफिशियल ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट विच हैज़ अ पीक एसेट वर्थ यू एस डॉलर थ्री करोर्स नाइंटी सेवन लैक्स हाँ जी यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर कहते हैं कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई जो कि बिल्कुल ऑफिशियल चैनल से इन्फॉर्मेशन आई है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें ये बताया गया है कि जो एस एस है वो बेनिफिशियल ओनर है दैट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ 196 नाइन्टी तो ये जो एडिशन हैं ये बिल्कुल वैलिड हैं आइए देखते हैं आगे का मैटर एक कंसेंट वेवर इस केस में इन्वॉल्व है दैट वॉट इज़ कंसेंट वेवर अ डॉक्यूमेंट ऑथोराइज बाय द बेनिफिशियल ओनर इस केस में बेनिफिशियल ओनर कौन है रेनू टी थरानी टू शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स रिलेटिंग टू एच एच बी सी प्राइवेट बैंक अकाउंट विथ इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेमन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कंसेंट वेवर क्या है कंसेंट वेवर डिपार्टमेंट बोलता है एस एस सी को कि साहब कंसेंट वेवर साइन कर दीजिए ताकि वो परमिशन दे दे उसके स्विस बैंक अकाउंट स्विस बैंक को के उसके स्विस बैंक अकाउंट की पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाए इसको बोलते हैं कंसेंट वेवर जहाँ पे एस एस ये ऑथराइज़ करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्विस बैंकों के इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए मेरे सारे बैंक अकाउंट्स मेरी सारी डिटेल के बारे में हाँ जी तो यहाँ पे इस केस में कंसेंट वेवर एस ने साइन करने से मना कर दिया यहाँ पे एस का सबमिशन क्या है इट इज़ अ ट्राइट लॉ दैट एस एस सी कैनॉट बी आस्क टू डू व्हाट इज इम्पॉसिबल इट मे बी रिलेवेंट टू मेंशन हियर दैट द एस एस सी ड्यूरिंग देंट प्रोसीडिंग हैव डिनाइड टू हैव द हैविंग द बैंक अकाउंट एंड आल्सो दैट शी इज़ नॉट द सिग्नेटरी इन द सेट बैंक अकाउंट एस एस कंसेंट वेवर साइन करने से डिनाई इस ग्राउंड पे करता है कि ये एक्सेप्टेबल एक सेट्ड लॉ है कि एस को ये नहीं बोला जा सकता करने के लिए जो कि इम्पॉसिबल है जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एस एस स्टार्टिंग से डिनाई कर रहा है कि उसका कोई स्विस बैंक में अकाउंट नहीं है और वो ना ही किसी अकाउंट में सिग्नेटरी है यहां पे एस ऑफिसर का सबमिशन देखते हैं क्या है बाय नॉट साइनिंग द कंसेंट व्यवर द एस एस सी एंड ऑफ प्रोटेक्टिंग द एक्चुअल फैक्ट्स कमिंग टू द लाइट बाय एनफोर्सिंग इज ओन प्राइवेसी अंडर द स्विस सीक्रेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉस एंड देयर फॉर ही कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन ऑफ द पोजिशन दैट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ नॉट कंक्लूसिवली स्टैब्लिश द अलीग्ड अलीज्ड फैक्ट्स असेसिंग ऑफिसर ये कहते हैं कि अगर एस एस सी कंसेंट वीवर साइन नहीं कर रहा है इसका मतलब वो जो रिलेवेंट ट्रुथ है जो रिलेवेंट फैक्ट है केस का वो सामने आने से रोक रहा है तो कुछ ना कुछ कंसेंट वीवर ना साइन करने से एस एस सी जो है वो एक जो ट्रुथ है वो उजागर होने से वॉल्ट्रली uh, रोक रहा है तो यहाँ पे कंसेंट वेवर साइन ना करना भी एस के लिए नेगेटिव प्रूव होता है आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ़ आई टी आई टी इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच के क्या ऑब्ज़र्वेशन है इस मैटर पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे को लगी यहाँ पे आई टी मुंबई बेंच के ऑर्डर में कि जो आई आई टी मुंबई बेंच ने जो ऑर्डर लिखा वो काफ़ी डिटेल्ड में लिखा लगभग हर बात बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई है और इंटरेस्टिंगली ऑर्डर रन इन टू फिफ्टी फाइव पेजेस आई टी आई टी एक्सप्लेन्ज इन दर्डर दैट हाउ हर फालशियानी फॉर्मर एच एस बी सी जिन्हें वाई एम्प्लॉई लिफ्टेड लीड ऑन द एंटायर स्वि बैंक टैक्स इवेजिव स्कैंडल इनकम टैक्स पहले ट्रिब्यूनल आई टी आई टी मुंबई में अपने ऑर्डर में एक एक सेक्शन में एक बैकड्रॉप के एरिया में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई हैं पास्ट की जिस स्टोरी में एक स्टोरी ये भी है कि किस तरीके से एच एस बी सी का एक एम्प्लॉई एच <laughs> का एक एम्प्लॉई जो है वो किस तरीके से विश्वल ब्लोवर की तरह सामने आता है और उस पूरे स्विस बैंक टैक्स इवेजन स्कैंडल को एक्सपोज करता है ये अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप आई मुंबई का ऑर्डर डिटेल में पढ़ें अगर आपको ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल रही है आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी लिख के आप हमसे ऑर्डर मांग सकते हैं हमारी टीम आपको ऑर्डर मेल कर देगी आई टी आई वन ऑर्डर ऑफ हाँ जी आई आई टी मुंबई बैंक ने एक यू एस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो एक ऑर्डर है वो भी उसमें मैंशन किया है अपने ऑर्डर में वो ऑर्डर बात करता है लिवाइंग पेनल्टी ऑन एच एस बी सी बैंक अमाउंटिंग टू यू एस डॉलर वन नाइनटी पॉइंट थ्री फाइव मिलियंस फॉर हेल्पिंग यू एस सिटीजन इन टैक्स इवेजन हाँ जी ये जो यू एस डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस का ऑर्डर है ये आई टी आई टी ने अपने ऑर्डर में मैंशन किया है एज़ इट इज़ वर्ड टू वर्ड कि किस तरीके से यू एस गवर्नमेंट ने एच एस बी सी के ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई कि वो किस तरीके से यू एस सिटीजन को हेल्प कर रही है टैक्स रिविज़न में एच एस बी सी प्राइवेट बैंक सर्विस ऑफ ट्रस्ट एंड फ्यूडिशरी सर्विसज हेल्पिंग मैनी वेल्दी पीपल अक्रॉस द ग्लोब इन टैक्स रिविज़न ये आई टी ए टी ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि किस तरीके से एच एस बी सी और वो पूरा प्रोसेस भी आई टी ए टी मुंबई ने अपने ऑर्डर में समझाया है कि किस तरीके से एच एस बी सी प्राइवेट बैंक वेल्दी सिटीजन्स की ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्प करती है टैक्स रिविज़न में द केस बिफोर अस हाउ is इज़ इन द कैटेगरी ऑफ केसेज इन विच कंसेंट वेवर हैज़ emphatically declined डिक्लाइंड the द एस एस सी हमारे सामने जो केस है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आई टी आई मुंबई बोलती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एस एस सी ने जो है वो कंसेंट वेवर देने से मना कर दिया एंड दज डीपर प्रूफ बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सक्सेसफुली स्कटल्ड मतलब और जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी इस पूरे मैटर पे और जो फैक्ट्स और जो सच सामने आता कंसेंट वेवर से शायद वो नहीं आ पाया और एस ने उसको रोक दिया डिक्लाइन कर दिया डिनाई कर दिया जस्ट आफ्टर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग विद गवर्नमेंट हाँ जी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जरवेशन है आई टी का अपने ऑर्डर में कि जब इन्फॉर्मेशन शेयर हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एच जेनेवा के अकाउंट की तो वो एच जिनेवा का अकाउंट कुछ ही दिनों में क्लोज कर दिया गया और उसकी पूरी मनी ट्रांसफर कर दी गई जी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि के एक केमेन आइलैंड की कंपनी है और उसके बाद जो जी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी उसको भी क्लोज कर दिया गया उसको भी स्ट्राइक ऑफ करवा दिया गया ये भी आई टी आई मुंबई ने अपने ऑर्डर में लिखा है द एस एस इज नॉट अ पब्लिक पर्सनैलिटी नाउ लुक एट द वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ आई टी आई टी मुंबई इन दिस केस दैट द एस एस सी इज़ नॉट अ पब्लिक पर्सनैलिटी लाइक मदर टेरेसा दैट सम अन नोन पर्सन क्योंकि शुरू से ही एस एस सी कहता आ रहा है दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट आई एम नॉट नोन अमाउंट दैट आई एम नॉट नोन अबाउट दिस अमाउंट दैट इज़ लाइंग इन दैट अकाउंट विद एच एस बी सी जेनेवा तो यहाँ पर आई टी टी मुंबई का ये ऑब्जर्वेशन दट एस एस सी इज़ नॉट अ पब्लिक पर्सनैलिटी लाइक मदर टेरेसा दैट सम अन नोन पर्सन विद कंप्लीट एनानॉमिटी विल सेटल अ ट्रस्ट टू गिव हर यू एस डॉलर फोर मिलियंस हाँ जी ये एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन आईटीएटी का मुंबई का इस ऑर्डर में सामने आया है केमेन आइलैंड हाँ जी केमेन आइलैंड के बारे की जो कंपनीज है उसके बारे में भी आईटीएटी ने लिखा है अपने ऑर्डर में दैट केमेन आइलैंड इज़ नॉट नोन फॉर फिलेंथ्रॉफेस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर इफ़ केमेन आइलैंड इज़ नोन फॉर एनी थिंग रिलेवेंट इट इज़ नोन फॉर एन एटमोसफेयर कंड्यूसिव टू हाइडिंग अनअकाउंटेड वेल्थ एंड मनी लॉन्ड्रिंग हाँ जी केमेन आइलैंड जिस लिए फ़ेमस है इस मैटर पे इस कंटेक्स में वो फेमस है अपनी अन अकाउंटेड वेल्थ को छुपाने में और मनी लॉन्ड्रिंग प्रमोट करने में एस एस सी रिफ्यूज टू साइन कंसेंट वेबर इज़ ट्रीटेड एज शी इज़ हाइडिंग समथिंग एंड नॉट अलाइंग रियल ट्रक टू कम इन फ्रंट एस एस सी ने कंसेंट वेबर साइन करने से डिनाई कर दिया ये एक सिग्नल है कि वो जो रियल ट्रथ है वो सामने आने से रोक रही हैं तो ये सारे ऑब्ज़रवेशनस को देखते हुए फ़ाइनल आईटीएटी का ऑब्जर्वेशन्स ये हैं कि जो 196 करोड़ के जो एडिशन हैं वो अफर्म किए जाएं एंड आईटीएटी मुंबई डिक्लाइन टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील एंड द अपील ऑफ एसएससी अकॉर्डिंगली हैज़ बीन डिसमिस्ड सो द केस गोज़ अगेंस्ट एस एंड इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट हाँ जी लास्ट में देखते हैं प्रिंसिपल अफर्म बाय द जजमेंट यहाँ पे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंटली दो प्रिंसिपल्स अफर्म होते हैं इस जजमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल रीज़न रिकॉर्डेड बाय यूजिंग मटेरियल इंफॉमेसन प्रोवाइडेड बाय एस एस हिमसेल्फ वेदर करेक्ट और नॉट आर वैलिड रीजनस हाँ जी वो रीज़न जो रिकॉर्ड किए गए उस इंफॉमेसन उस मटेरियल को यूज़ करके जो कि एस ने खुद ने दिए हैं चाहे वो करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो उसके बेसिस पे रीजन रिकॉर्ड होते हैं तो दो रीजन आर वैलिड रीजन्स सबसे पहला प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल अफर्म होता है द मेयर फैक्ट दैट एन अकाउंट इन एच एच बी सी प्राइवेट बैंक जेनेवा बाय इट सेल्फ नॉट मीन दैट द मनीज इन द अकाउंट आर अन अकाउंटेड इलेजिटिमेट और इलीगल सिर्फ ये फैक्ट और ये पॉइंट कि किसी पर्टिकुलर का अकाउंट एच एच बी सी प्राइवेट बैंक जेनेवा में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनअकाउंटेड वेल्थ है इलेजिटिमेट वेल्थ है या फिर इलीगल मनी है इस केस में इन इस तरह के केसेस में द कंडक्ट ऑफ द एस एस एक्चुअल फैक्ट ऑफ ईच केस एंड द सराउंडिंग सरकमस्टांसेज आर टू बी एग्जामिंड ऑन मैरिट्स एंड देन अ कॉल इज़ टू बी टेकन अबाउट एज टू वेदर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एस एस सी मेरिट्स एक्सेप्टेंस और नॉट देयर कैन नॉट बी अ शॉर्ट कट एंड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू दिस एक्सरसाइज यहाँ पर आई टी आई टी ने अपने ऑर्डर में कंक्लूजन के समय पे यह भी बोला है कि इस तरह के केसेस को डिटेल्ड में एनालाइज uh, करना डिटेल्ड में हर फैक्ट को देखना सराउंडिंग सरकमस्टेंसिस को देखना एक्चुअल फैक्ट्स को देखना और इन सब को एग्जामिन करना ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स और पूरी इन्फॉर्मेशन को कॉल करना और ऐसे के एक्सप्लेनेशन को देखना कि क्या ये जो केस है वाकई में टैक्स इविजन का केस है या नहीं है क्यों क्योंकि ये फैक्ट के किसी पर्टिकुलर का अकाउंट एच एस प्राइवेट बैंक जिनेवा में है दिस मेयर फैक्ट इज़ नॉट एन इंडिकेशन दैट द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इज़ अन अकाउंटेड इलेजिटीमेट और इ लीगल ये भी प्रिंसिपल अफर्म होता है इस ऑर्डर से मतलब कि ये एक पूरा फैक्चुअल केस है और यहाँ पे सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी ये डिसाइड करते वक्त कि अन अकाउंटेड मनी है या अकाउंटेड मनी है टैक्स इविज़न हुआ है या टैक्स इविज़न नहीं हुआ है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू थैंक्स लॉट बाय